मुझे। फ्लैट सा नंबर का है रे? 1008 लीला इतने। हाँ यही है सर। क्या हो सब? अरे अंकल कंप्लेंट आए थे सामने वाली बिल्डिंग से। मल्होत्रा मल्होत्रा ना मल्होत्रा है। हाँ हाँ प्रकाश जी प्रकाश जी, एक कंप्लेंट आए थे सामने वाली बिल्डिंग से, इधर पार्टी हो रहा है करके। हाँ अंदर आकर देखो, मेरा हालत देखो, मेरा उम्र देखो, क्या बात कर रहा है। हाँ अंकल, हाँ सॉरी अंकल, नहीं अंकल, अंकल नहीं, मल्होत्रा नाम है बिल्डिंग से, नाव का है। कृपा निधि लीलो तो कृपा निधि लीला है, यही है। कुछ गलती हो गई होगी, बोल करूं भी। हाँ सर, हो तुम हो तो क्या तुम हो? ये करने गए 5, 6 and 7, 8। एक काम करते, जंप कैंसिल करते, ठीक है? तो ये करो 5, 6 खाली टर्न करो, 7, 8 पूरा टर्न फुल लेते, पक्का पक्का पक्का। चलो म्यूजिक। ब्रो कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? आपको कुछ इंस्पिरेशन चाहिए अंकल। मतलब? अरे इंस्पिरेशन अंकल, इंस्पिरेशन। यानी कि जब तक नहीं लगेगा आपको प्यार का भपका, तो कैसे लगाओगे आप बीट पे ठुमका? कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हाँ समझ गया तेरी बात, अगर ज्यादा बोला तो खाएगा लात। ब्रेक। Never have I ever failed in any exam. अब ये क्या है? अरे अंकल, आप कभी एग्जाम में फेल हुए हो क्या? तो मत पियो। अगर बोला हुआ तो? तो पी लो। आज कसरा खेलेगा। थोड़ा next level हो जाए। Never have I ever had sex in my own house. और कितनी बार पी सकता हूँ? अबे ये कब हुआ इस सोसाइटी में? अपनी सोसाइटी में? मैं बताता हूँ। अगर साहब लोगों को पता चल गया तो बवाल मच जाएगा सोसाइटी में, फिर तुम्हारा पीजी बनेगा पबजी और मेरा धंधा चौपट जी। ये तो बाय चांस मैंने देख लिया तो आपको फोन किया। आंटी अंकल आप तो न्यू एंट्री है सोसाइटी में, बताइए आंटी को बताइए ऐसा कहीं होता है क्या? कल देखा था ना आपने क्लब की खिड़की से, देखा था ना ये लड़की लेके आया था ना? लड़की? ये अपने दोस्त ओ ज़हीर के साथ आया था। क्या बात कर रहे हो अंकल? सच? बहुत अच्छा बच्चा है, जब भी मिलता है नमस्ते करता है, लेकिन बहुत अच्छे संस्कार दिए हमने। नीचे क्या देख रहा है? ऊपर ले प्रसाद खा, खा ले हा? माता जी प्रसाद तू भी ले ले। यार ब्रो अगर उस दिन अंकल ना होते ना तो मैं भी आज यहाँ ना होता यार। अंकल आपको उस दिन मेरा नाम कैसे पता था? अरे तू आम खा रे, गुटली मत गिन। अच्छा बगला पढ़ाओ, एक शॉट के लिए मैं कभी क्लबिंग नहीं गया। ऐसा तो मैं पी नहीं पाऊंगा। तू कभी क्लबिंग नहीं गया? अरे कहाँ अंकल, एक नंबर का कंजूस आदमी, अरे कहीं पैसा ही खर्च नहीं करता। ओए सुमित क्या बोल रहा है, उसके ऊपर 5 लाख का एजुकेशन लोन है और मम्मी का भी ध्यान रखना पड़ता है उसको। अच्छा अच्छा चल मान लिया ज़हीर भाई का प्रॉब्लम है, अरे भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है, तू तो पी। अरे ऐसा ऐसा भी क्या,
पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी भी चला जाऊंगा क्लब। बेटा ये जवानी है, क्लब व्लब जहाँ जाना है ना अभी चले जाओ। अरे एक बार बुढ़ापा आ गया ना तो फिर हेल्थ क्लब ही जाते फिरोगे। मेरा मतलब वो नहीं था अंकल। 11 फरवरी 2019 मेरा बर्थडे। एग्जैक्टली कहाँ था मैं? आप तो बीमार थे ना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जानी हम करते हैं अपनी मनमानी, अब आगे बढ़ाए कहानी। ये लो सोमरस। क्या बात है मेरे बच्चे। सेक्सी है। नंबर ये तेरा ही है शर्मा मत। Never have I ever loved my father. ये पीने मिला मेरे को। क्या है? चश पट्टे। अबे पी। Come on, विवान। पी भाई। क्यों पीऊँ मैं? I don't love my father. ये क्या बवाल है बाबा? बवाल? हाँ अंकल, तुमको तो बवाल ही लगेगा। ना बीवी, ना बच्चा, ना परिवार, रिटायर्ड लाइफ है, पेंशन आ रही है, बैंकर वाली सेविंग्स उड़ा रहे हो। उड़ाओ। ए विवान, पागल हो गया क्या? इनकी उम्र देख के बात कर यार। हाँ तू बन जा मेरा बाप, तू निकाले गलतियां सारी मेरी। इनकी यही तो प्रॉब्लम है। क्या टाइमिंग है डैड की है। Think of the devil and कब से कॉल कर रहा हूँ, कुछ शर्म आती है? कितनी हदें पार कर चुके हो तुम, बाइक टैटू यहाँ तक की दाढ़ी और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। डिस्टिंक्शन से पास हुए हो, कोई पहाड़ नहीं तोड़ा तुमने। हाँ साला, बचपन से आज तक इन्होंने गलतियां तो निकाली है मेरी, प्यार जताया नहीं कभी यार। कभी कोई अच्छी बात दिखी नहीं मेरे बारे में, ना कभी कोई अच्छी बात बोली हो। इन लोगों की जाति ऐसी होती है। अरे क्या बात कर रहा है, जरा लिमिट में बात कर रहा। तेरा पर्सनल प्रॉब्लम है ना, क्या तू क्या कर लेगा? पर्सनल प्रॉब्लम है तो हाथ दिखाना। अरे मुंह तोड़ दूंगा। आप बता ना क्या बता रहा था। 1 2 3 4 ये तो खाना आता है। तू बिंदास रे, तू फिक्र मत कर। जब 2 मिनट का ये गरम नूडल उनके पेट में जाएगा तो 1 मिनट में उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। तू इला में आता हूँ। मेरा मतलब है तू ये इला में आता हूँ। क्या दिमाग है बेटा? अंकल वैसे आज बात निकली है तो हम लोग आपसे कुछ पूछना चाहते थे। I mean, if you don't mind, अंकल, why are you alone? I mean, आप जैसे हैं, कैसे हैं और क्यों हैं? बताओ ना अंकल। से बोलो ना पापा प्लीज। आज रात फिर नींद उड़ गई ये सोचकर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था। जयंत Oh,
मेजर करण मल्होत्रा, ये टोपी, ये फोटो, स्मार्ट है ना बेटा, किसका है? हाँ, ये देख, कैसा कैसा दिखता है? सेम? ये लेटर उसका, ये कभी उसने पोस्ट ही नहीं किया। हेलो पापा, मुझे आपको कुछ बोलना था जो मैं आपको कभी नहीं बोल पाया, वो चीज जो आपने भी मुझे कभी नहीं बोली। आई रियली लव यू डैड, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी योर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। यहां दोस्तों की कमी नहीं है, मॉम डैड की है। एंड सिंस मेरे मॉम डैड दोनों आप ही हो, मैं आपके साथ वो सारी चीजें करना चाहता था जो शायद आप, मैं और मम्मी एक साथ करते। आई नो यू आर लिटिल बोरिंग काइंड्स, बट मैं चाहता था हम सिडनी जाएं, स्काई डाइविंग करें और फिर इजिप्ट जाकर खूब सारी फोटोज खींचें, एक टिपिकल फैन की तरह मन्नत के बाहर शाहरुख पोज में फोटो लें, सारे फिल्म स्टार्स की नकल उतारे। आई ऑलवेज फेल्ट यू आर एन अमेजिंग एक्टर। फिर सैंटा बनकर ऑर्फनेज में जाकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें, मॉम वुड हैव बीन सो प्राउड ऑफ अस। वो गुजारिश के ऋतिक की तरह मैजिक ट्रिक्स सीखें, वी कुड स्टॉप द वॉर विद दोज ट्रिक्स, यू नेवर नो। फिर लास वेगस में गैम्बलिंग में जीत के मुंबई में अपना घर लें, जहां वो मराठी वाला लेजम डांस सीखें, गणपति वाला, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्यार करता था मैं उससे, काश एक बार बोल देता। ये क्या है ब्रो? ए ये क्या है? अंदर रख, क्या कर रहा है? Nice. ये मुझे लास वीक जाना है, अगले साल चला जाऊं। पर अंदर रख। आप इसी साल जाओगे? डैड, क्या डैड, क्या तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? डैड, व्हाट? आई एम सॉरी डैड। विवान, आर यू ओके? हां जी डैड, मैं सुबह मिलता हूँ आपको। ठीक है बेटा, आई विल वेट। गुड नाइट डैड। Shy. I hate tears, Ray. आज से नहीं, अब से तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम। हाँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, ना दिन देखेंगे ना रात, ना दिन देखेंगे ना रात, आधी रात को भी बंदे हाजिर हो जाएंगे, आधी रात को भी बंदे हाजिर हो जाएंगे। अरे बाबा, तुम्हारे जनरेशन को आधी रात में आने के लिए क्या प्रॉब्लम है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आओ तो मानो, चलो 6 बजे आके दिखाओ यार। अरे अंकल, तुम ब्रह्म मुहूर्त में बुलाओ या बुलाओ ही मत, फिर भी एक टांग पर खड़े होकर हाजिर होकर दिखाएंगे। अरे अरे, एक टांग पे अंकल। अरे नशे में किए हुए वादे।
और इरादे कभी सही नहीं होते। अरे अरे सर संभाल सर। अरे यार अंकल, वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट का क्या हो? के कपड़े मैं मंदिर से आ रही थी तो नीचे गिरते हुए देखे, मैंने सोचा रिटर्न कर दूं। आई हैव ओसीडी प्रॉब्लम। ओसी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, साफ रखने की बीमारी। हाँ वही। एक्चुअली इट साउंड्स वियर्ड बट प्लीज डोंट फ्रिक आउट, आई स्टे जस्ट क्लोज बाय बीविंग। चलना चाहिए। Excuse me. जी? ये कपड़े मेरे नहीं है। Anyway, thank you. शायद बाजू वाले के हैं। I am sorry, sir. It's okay. excuse me. So sorry. What's your name? I am Miss Subha Lakshmi Iyer. इंस्पिरेशन अंकल, but not the least. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। And last but not the least, I always wanted to get you married to a Tamilian beauty just like mom. छोड़ो पुराना हिस्सा, मस्ती में रहो तुम, मौज में बहो तुम, ले लो पोजीशन बना बन मेरे जैसा तुम।